देश के कई हिस्सों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए जिससे देश को लॉकडाउन जैसी परिस्थिति से बचाया जा सके। अभी 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों को प्राथमिकता देकर टीका लगाया जा रहा है। अब सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करने की योजना बना रही है जिससे कि टीकाकरण में तेजी लाई जा सके और 30 साल से कम के ऐसे लोगों को भी जल्द से जल्द टीका लगा दिया जा सके जिन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। एक्सपर्ट्स बोले, कोविन ऐप को छोड़िए, जो आए उसे दीजिए वैक्सीन। जी हाँ, सेंट्रल कोविड 19 टास्क फोर्स के कुछ और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करनी है तो कोविन ऐप को किनारे करके जो भी वैक्सीन लगवाने आए उसे डोज देनी होगी। कई जगहों पर कोविन ऐप में समस्या आने के बाद जानकारों ने यह सलाह दी है। अभी तक लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जानकारों का कहना है कि आधार कार्ड को देखकर लोगों को टीका लगाना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।